अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक कुशन का डिज़ाइन लाई हूँ। कुशन के ऊपर लेस बनाऊँगी जो लगाने के लिए ही फूलों के साथ। आपको दिखाऊँगी जो कुशन के ऊपर रख कर के कैसे लगाए जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, फूल तो पहले से बने हुए हैं, ये वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर। तो ये मैं जो छोटी सी बनाई हुई है ये लेस, इस तरह की मैं आपको तकरीबन जो है 12 पैटर्न्स बनाऊंगी, इतनी लंबी बनाऊंगी लेस आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे बनाई जाती है। अगर आप ये दुपट्टे के लिए बनाना चाहें तो आप जो पॉलिएस्टर का धागे से या कॉटन के धागे से बनाएंगे तो छोटा क्रोशिया जो दुपट्टे के लिए होता है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये दुपट्टे के लिए भी बनेगी। क्योंकि मैं वूल से बना रही हूँ ये, इसलिए बड़ी दिख रही है तो कुशन पे लगाने के लिए तो अच्छी होती है। क्योंकि कुशन के मिडल में इस तरह करके लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बनाऊंगी एक, अब ये लूप बन गया, एक दो तीन चार हो गए, चार क्रोशियों की जंजीर। तो दो वाल दूंगी यहाँ पे ट्रिपल, जो तीन प्लसियों वाला क्रोशिया होता है वो बनाऊंगी इस तरह से। तो फिर ये इस तरह की जगह बनेगी ये। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये 10 क्रोशियों की जंजीर मैंने फिर बनाई। फिर दो वाल दूंगी क्रोशिये पे, एक दो तीन चार, ये जो चौथी स्टिच है यहाँ पे क्रोशिये है, यहाँ मैं इसको फिर बनाऊंगी इस तरह करके। ये आप दो पैटर्न की जगह बन गई, यहाँ दो डिज़ाइन बनेंगे। तो फिर मैं आगे बनाऊँगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, फिर मैं दो वाल दूंगी, एक दो तीन चार, ये चौथी जो स्टिच प्लस ही है यहाँ पे मैं इसको डालूंगी। फिर इसी तरह से रंग चला जाता है धागे में, ये जो रहती है क्रोशिये पे भी डिपेंड करता है कि आपका अच्छा हो तो वो नहीं जाता इसके धागे के बीच में, इतने अच्छे नहीं है। दो तीन चार, बोल देना बोल के, इस तरह से। अब ये तीन हो गए, तीन पैटर्न के लिए मैं जो है जगह बन चुकी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, फिर दो बार, दो बार क्रोशिये पे, एक दो तीन चार, ये चौथी जो स्टिच है यहाँ पे मैं बनाऊंगी, एक दो तीन, फिर ये बन चुका। अच्छा, मैं अब इसी तरह से एंड पे आपको दिखाऊंगी, इसी तरह से मैं तकरीबन 12 बनाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना। ये अब मैं 12 बना चुकी हूँ, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 12, ये लास्ट वन है। यहाँ पे जो है 13 बनते हैं, जब एंड पे आते हैं तो 13 हो जाते हैं।
तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे पहले एक जंजीर बनाऊंगी, पांच प्लसियों की, दो तीन चार पांच, आप दो बाल दूंगी क्रोशिए पे, तो इसके अंदर ये जो बनाया हुआ है चैन सा जो रिंग बना हुआ है इसके अंदर बनाऊंगी छः में ट्रिपल क्रोशिए, हर एक के बाद एक जंजीर, एक यानी प्लसी, फिर दो बाल, फिर एक जंजीर, फिर दो बाल, फिर एक जंजीर, फिर दो बाल, फिर एक जंजीर, चार हुए हैं अभी, छह बनाऊंगी, फिर एक जंजीर, फिर एक जंजीर। आप देखें ये छह हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः इस चेन को छोड़कर, तो अब मैं फिर दो बाल दूंगी तो यहाँ चली जाऊंगी इस रिंग के अंदर, यहाँ फिर ट्रिपल क्रोशिए बनाऊंगी, तो इस तरह से ये ज्वाइन हो। अच्छा ये जो है ये कभी कुछ लोग जो हैं 12 भी बनाते हैं, लेकिन मुझे 10 ठीक है अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, ढील पड़ने लगती है, तो मैं इसलिए ये 10 बनाती हूँ, कुछ लोग 12 भी बनाते हैं। फिर यहाँ पे बनाऊंगी एक जंजीर, फिर दो बाल, फिर इसी तरह, फिर एक जंजीर, फिर एक जंजीर, पांच हुए अभी, छह बनाऊंगी, फिर अगले आगे वाले रिंग में चली जाऊंगी इस तरह से, यहाँ पे फिर एक जंजीर, इस तरफ इसी तरह बनाते जाना, फिर एक जंजीर, फिर दो बाल, दो बाल जो है इसके क्रोशिए पे, ये इसको बोलते हैं ट्रिपल, जो तीन प्लसियों वाला क्रोशिया होता है, एक जंजीर, फिर दो बाल, इस जंजीर के लिए कुछ लोग जो हैं ये जो क्रोशिया है ये चार प्लसियों का भी बनाते हैं, आपकी मर्जी है कि आप चार का बनाएं या मैं तीन का बना रही हूँ, ट्रिपल बना रही हूँ। ये भी छः हो गए, तो फिर आगे वाले जाऊँगा, अब इसी तरह मैं इस साइड पे बनाती जाऊँगी, छः छः करके बनाऊँगी, फिर आगे एंड पे आपको बताऊँगी कि क्या करना। अच्छा ये आप जो है एक साइड मुकम्मल हो चुकी, तो मैं ये लास्ट वन आखिरी वाला बनाना चाहती हूँ, ये मैंने इस तरफ बना चुकी हूँ छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक जंजीर इसके बाद मैंने बनाई है, तो अब मैं और सात बनाऊंगी, क्योंकि ये जो आखिरी होता है इसमें 13 होते हैं, तो दो बाल दूंगी, धागा आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो
मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो कलर साफ़ वीडियो में नज़र आता है, जो आपको दिखने में आसानी होती है, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो वीडियो में आप अच्छी तरह देख नहीं पाते। तो इसमें देखने में बहुत आसानी होती है, ये बहुत अच्छी तरह नज़र आता है। हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी हुए। ये दो बाल दे के आगे मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे अब 6 बनाऊंगी, यहाँ पे 13 नहीं बनाने, 12 होंगे ये 6 शुमार करके। अब ये जितने भी पार्टनर्स हैं यहाँ, मैं इस तरफ 6 6 बनाती जाऊंगी, फिर 12 हो जाएंगे ये शुमार करके। ये जो लेस है ये आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं, आप जो आपने ड्रेस के घेरे पे लगाने के लिए बनाए, लेकिन आपको धागा या क्रोशिया जो है दूसरा इस्तेमाल छोटा करना होगा, जो दुपट्टे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वूल से मैं बना रही हूँ, इसलिए बड़ी लेस बना रही हूँ। तो मैं आपको कुशन पे लगाना दिखाऊंगी कैसे लगाई जाती है, लगाऊंगी नहीं सिर्फ ऊपर रखूंगी कि कैसे कहाँ लगा सकते हैं आप, कैसे खूबसूरत दिखती है इन फूलों के साथ। ये जो मैंने लिंडा फूल बनाए हुए हैं इनके, ये भी कुशन पे लगाने के लिए होते हैं। ये अब 6 हो गए, एक जंजीर, फिर मैं दूसरे पार्ट में चली जाऊंगी इस तरह। अच्छा नहीं, कभी कभी होता है बल देना भूल जाती हूँ, एक ही देती हूँ क्योंकि मैं अब ज़्यादातर डबल क्रोशिया बनाती रहती हूँ, इसलिए आदत होती है। तो ये कभी कभी बनाना पड़ता है, ट्रिपल जो होता है। कभी 4 बाल वाला भी बनाना पड़ता है, कभी वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं इसके बाद आपको कुशन का कवर बनाना बुनना भी दिखाऊंगी कि कैसे बुना जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। जो मैं दिखाऊंगी वीडियो में मैं दिखाती हूँ। अब इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी, एंड पे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करूंगी आप। मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी, तो एंड पे फिर इसी तरह बनाऊंगी, वहाँ जो है फिर आपको मैं दिखा दूंगी कि क्या करना। ये आप इस तरह की है, यहाँ पे मैं इसके एंड पे आ गई हूँ, ये लेस जो है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो एंड वाला है, यहाँ पे मैं ये जो ब्रशी है 2, 3, 3 यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी, चौथी जो है, चौथी ब्रशी जो है इसमें मैं करूँगी एक ब्रश, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 बनाई थी,
इनके साथ, तो ये भी साथ हो गए एंड वाला है जो यहाँ में, ये इस तरह की है। तो मैं एंड पे आपको ये, अब मैं ग्रीन जो है हरे कलर का धागा लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस धागे को मैं यहाँ पे काटूंगी। तो मैं अब आपको ये जो है ग्रीन धागा लगाना दिखाऊंगी कि ये कैसे लगाना ये लूप। मैं यहाँ से शुरू करूँगी, इसको इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और बनाऊंगी, ये यहाँ पे एक बनाऊंगी, यहाँ पे दो बनाऊंगी क्योंकि दोबारा यहाँ आऊंगी फिर, तो दो ये आपकी मर्जी है कि ये जो ऊपर जो डिज़ाइन होता है कि यहाँ से शुरू करें या ना करें। मैं अब यहाँ बनाऊंगी, इसके ऊपर ही बनाना चाहती हूँ कि पेन है जो पहले बनाई हुई है यहाँ पे ही बनाई है, यहाँ नहीं बनाई, तो ये आपकी मर्जी है। यहाँ ना बनाएं तब भी कोई बात नहीं, अगर बनाएंगे तो एक दो तीन, तीन बना का इसको मैं इस तरह यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच, फिर आगे एक सिंगल क्रोशिया, दो यहाँ पे मैं एक बनाकर इसके ऊपर, फिर एक दो तीन, तीन बनाकर फिर यहाँ डालूँगी क्रोशिया को, स्लिप स्टिच करूँगी, फिर एक और यहाँ पे ही सिंगल क्रोशिया बना दूँगी, फिर आगे इस तरह से, तो दो बनाऊंगी, यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप बनाएं या ना बनाएं, इसी तरह रहने दें ये जो डिज़ाइन है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ बना रही हूँ, इसी तरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक यहाँ पे बहुत है, तो यहाँ बनाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच, यहाँ पे फिर एक और सिंगल क्रोशिया है, फिर आगे एक दो, फिर आगे एक बनाकर इसके ऊपर फिर बनाऊंगी वो डिज़ाइन, ये जो किंगरी सी होती है, फिर एक और स्लिप स्टिच,
मेरा आगे सिंगल ब्रश है, ये देखें ये इस तरह का ऊपर होता है, ये आप मर्जी होती है कि आप कहाँ। ये जो लेस है दो किस्म की होती है, मैं ये दूसरी भी दिखाऊंगी। इधर से सेम होता है, जैसे एक जैसा होता है, इतना कोई डिफरेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो ये मैं बना रही हूँ ये डिफरेंट किस्म का भी होता है, तो मैं कभी वो भी दिखाऊंगी आपको। ये डिज़ाइन फिर बनाऊंगी, एक दो तीन प्लसियों की जंजीर, फिर स्लिप स्टिच। ये जो प्लसी होती है यहाँ पे सिंगल क्रश का, फिर आगे यहाँ पे एक बनाकर फिर ऊपर डिज़ाइन बनाए। यहाँ पे सिंगल क्रश का, फिर आगे डिजाइन, अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो मैं आगे बनाती हूँ, इसको यहाँ तक ही छोड़ देती हूँ। तो एंड पे ये जो है एक साइड पे मैं यहाँ पहुँची हूँ, एक साइड पे बना चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि दूसरी साइड पे भी यहाँ पे बनाऊँगी, ये एंड पे बना चुकी हूँ। तो इसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी बनेंगे, यहाँ पे दो सिंगल क्रश है, फिर यहाँ एक बनाकर इसके ऊपर किंग क्रश बनाऊंगी, डिज़ाइन बनाऊंगी इस तरह करके। फिर आगे एक और बनाऊंगी सिंगल क्रश है, फिर नेक्स्ट में दो बनाऊंगी यहाँ, फिर एक बनाकर फिर इसके ऊपर मैं फिर ये डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से फिर सिंगल क्रश है, फिर यहाँ एक बनाकर यहाँ दो बनाऊंगी, इसके ऊपर बनाऊंगी डिज़ाइन। यहाँ सिंगल क्रश है, तो ये इसी तरह बनाते जाऊंगी और एक यहाँ पे एंड तक। तो फिर आपको दिखाऊंगी कि एंड पे ये कैसा दिखेगा। ओके व्यूअर्स, ये जो मेरी लेस है ये तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैं दोनों साइड से बनाई है। इंदा मैं एक वीडियो डालूंगी इसी तरह की लेस होगी, लेकिन चाहे मैं डिफरेंट कलर में बनाऊंगी और किसी रंग में बनाऊंगी। तो ये जो है थोड़ा सा उसका डिज़ाइन यहाँ से डिफरेंट करूंगी, ये जो है ये डिफरेंट बनाऊंगी, इधर से सेम ही होगा, इतना कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो ये तैयार है, आप मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कुशन पे कैसे लगाई जाए।
आपको मैं दिखाऊंगी, मेरे पास इसी कलर की, इस कलर की है कुशन। तो जब ये कुशन का कवर सिलें तो इसको यहाँ पे अंदर सिल दें। ये मैंने 12 बनाए हैं, ये इससे आसानी से आप यहाँ सिल सकते हैं, बिल्कुल फिट होगी। तो मैं ये आपको, ये जो छोटा सा है, अगर इस तरह का आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ कि आपको नज़र आ सके, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोने पे सिल सकते हैं इसके अंदर, ये आपकी चॉइस है। सो तो ये जो है फ्लावर जो है, ये जो फूल हैं, ये एक कुशन के लिए ही होते हैं, कुशन पे लगाने के लिए। तो ये यहाँ पे दोनों इस तरह से लगा सकते हैं, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसमें आप चाहें तो बीड्स भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसके ऊपर आपको बीड्स भी रख कर दिखाती हूँ। बीड्स मैंने जो पहले लेस की जो वीडियो डाली है कुशन के ऊपर, उसमें मैंने बीड्स लगाने सिखाए हैं कि कैसे बीड्स लगाए जाते हैं। तो मैं यहाँ बीड्स को लगाऊंगी नहीं, सिर्फ रखूँगी कि कहाँ किस तरह लगाए जाते हैं। तो ये एक एक यहाँ लगा दें यहाँ से, कलर अगर कलर आपकी मर्जी है, मेरे पास ये सिल्वर हैं। अगर आप किसी भी कलर के, आप वाइट लगाना चाहते हैं पर्ल लगा सकते हैं। ये सुई से लगाए जाते हैं, यहाँ से शुरू होती है, इधर से सुई डालें तो यहाँ बीड्स लगा कर फिर ये वहाँ एक इस तरह से निकालते जाएं। वो मैंने पहले ही जो लेस डाली है उसमें मैंने दिखाया कि कैसे लगाए जाते हैं। तो ये इस तरह से मैं मुकम्मल कर को पिक्चर आपको दिखाऊँगी कि कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह मैं लगाऊँगी, यहाँ आपने सुई से ये लगाने पड़ते हैं। सुई से आप सेम कलर लेकर किसी भी येलो कलर का यहाँ जब लाएं तो ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल करना, यहाँ से सुई को निकाल कर यहाँ, ये आसान होते हैं लगाने। तो मैं आपको ये मुकम्मल करके पिक्चर आपको दिखाऊंगी जिसके कैसे लगते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं। तो ये देखें, ये बीड्स मैंने रखे हुए हैं इस तरह से, इसके लगाएं, सो इसे इस तरह लगाएं इस डिज़ाइन को, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और भी वीडियोस डालूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का और सब्सक्राइब करने का, और नाइस नाइस जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं आप लोग, तो मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इन द वीडियो देखते रहिएगा, आपके लिए आसान होगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नई वीडियो कोई और डालूंगी तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो नई आई है, तो आप देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक कुशन का डिज़ाइन लाई हूँ, कुशन के ऊपर लेस बनाऊँगी जो लगाने के लिए ही फूलों के साथ। आपको दिखाऊँगी जो कुशन के ऊपर रख कर के कैसे लगाए जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, फूल तो पहले से बने हुए हैं, ये वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर। तो ये मैं जो छोटी सी बनाई हुई है ये लेस, इस तरह की मैं आपको तकरीबन जो है 12 पैटर्न्स बनाऊंगी, इतनी लंबी बनाऊंगी लेस आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे बनाई जाती है। अगर आप ये दुपट्टे के लिए बनाना चाहें तो आप जो पॉलिएस्टर का धागे से या कॉटन के धागे से बनाएंगे तो छोटा क्रोशिया जो दुपट्टे के लिए होता है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये दुपट्टे के लिए भी बनेगी। क्योंकि मैं तो वूल से बना रही हूँ ये, इसलिए बड़ी दिख रही है, तो कुशन पे लगाने के लिए तो अच्छी होती है, क्योंकि कुशन के मिडल में इस तरह करके लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बनाऊंगी
एक, अब ये लूप बन गया, एक दो तीन चार, चार हो गए, चार प्लसियों की जंजीर, तो दो वाल दूंगी यहाँ पे ट्रिपल, जो तीन प्लसियों वाला क्रोशिया होता है वो बनाऊंगी इस तरह से, तो फिर ये इस तरह की जगह बनेगी ये। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस क्रोशियों की जंजीर मैंने फिर बनाई, फिर दो वाल दूंगी क्रोशिए पे, एक दो तीन चार, ये जो चौथी स्टिच है यहाँ पे प्लस ये है, यहाँ मैं इसको फिर बनाऊंगी इस तरह करके। ये आप दो पैटर्न की जगह बन गई, यहाँ दो डिज़ाइन बनेंगे, तो फिर मैं आगे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, फिर मैं दो वाल दूंगी, एक दो तीन चार, ये चौथी जो स्टिच प्लस ही है यहाँ पे मैं इसको डालूंगी, फिर इसी तरह से रंग चला जाता है धागे में, ये जो रहती है क्रोशिए पे भी डिपेंड करता है कि आपका अच्छा हो तो वो नहीं जाता इसके धागे के बीच में, इतने अच्छे नहीं है, दो तीन चार, एक बल देना बोल के, इस तरह से। अब ये तीन हो गए, तीन पैटर्न के लिए मैं जो है जगह बन चुकी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, फिर दो बार, दो बार क्रोशिए पे, एक दो तीन चार, ये चौथी जो स्टिच है यहाँ पे मैं बनाऊंगी, एक दो तीन, फिर ये बन चुका। अच्छा, मैं अब इसी तरह से एंड पे आपको दिखाऊंगी, इसी तरह से मैं तकरीबन 12 बनाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना हो।